निकाल के उसको कैंडल वाच निकाल के उनके दर्शन करें। आइए इसके बारे में हम पूरे बारे से जानकारी दें। वेंडर्स जो सेक्टर 70 में बिठाए गए हैं माइक नीचे अग्नेश डे के प्रोटेस्ट करके ये बताया है कि आप सारे शहर को जिस तरीके बड़ियों की तरह बनाना चाहते हैं, तो हमने ये प्रोटेस्ट किया अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि चंडीगढ़ को फड़ीगढ़ ना बनाओ, ये हमारा स्लोगन है कि आप चंडीगढ़ को जो एक खूबसूरत शहर था इसको फड़िया लगाकर आपने चंडीगढ़ की खूबसूरती को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये साफ मैसेज है कि चंडीगढ़ को सुंदर रहने दें, चंडीगढ़ की जो स्वच्छता जिस सुंदरता है थी उसे उसी तरीके रहने दें, अपना वोट बैंक की या नोट बैंक की राजनीति के चक्कर में शहर को बर्बाद ना करें। धन्यवाद। शहर था आज से 2.5-3 साल पहले 25 से 30 रेडी फड़ियाँ लगती थी, वो भी एसेंशियल सर्विस। जब से भाजपा सरकार आई है और किरण खेर यहाँ की सांसद बनी है, तब से सेक्टर 17 का उन्होंने बट्टा बिठा दिया है, उसको फड़ी मार्केट बना दी है। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी पे, जो इतनी फड़ियां लगी हैं वो किसके कहने पे लगी। मैं अरविंद जैन हूँ, एक छोटा सा मामूली सा व्यापारी हूँ, पर इस शहर का सबसे पहला व्यापारी, क्योंकि जब ये बिल्डिंग्स ऑक्शन में दी गई, अलॉट की गई, तो ये सारा जो है नक्शा बता करके दिया, इसके पैसे उसमें लिए गए, इसके डेवलपमेंट चार्जेस, इस जमीन के पैसे, ये सब हम लोगों ने पे किए, इसके मालिक हम हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए, प्रशासन सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए। ये जो पार्किंग, पेड पार्किंग लगाई है, ये भी कानूनन गलत है, बिकॉज दिस इज ड्राइव इन पार्किंग विच इज अशोर टू अस वेन द प्लेस वॉज अलॉटेड और ऑप्शन टू अस कि दिस विल बी अ ड्राइव इन पार्किंग। जितनी स्टेट्स हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने देखा, हमें अफसरों ने देखा कि हमें फंड मिलेंगे, उन्होंने जो सब्जेक्ट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती थी उन्होंने चेंज करने चाह दिया, रेंट ऑफ कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, पेड पार्किंग्स लगा दी थी, वेंडर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, ये बताने के लिए कि हमें फंड चाहिए। ये उसके तहत सारा कानून जो बिगड़ा है, ये उसके तहत बिगड़ा, और पार्किंग्स और ये वेंडर्स ये बैठाए गए हैं, और एक वेंडर क्या है इसमें, इंस्पेक्टर्स के, कॉरपोरेशन के कई बंदों ने जगह घेरी हुई, तो आगे उन्होंने 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए महीने से रेंटों की। जितने ये वेंडर बैठते हैं ये भी किराया देते हैं, किसको, जिसने जमीन के ऊपर इतना कब्जा किया हो, जो पावरफुल बंदा, जिसके पीछे कोई पुलिस की बैक है या ऑफिसर की बैक है या एडमिनिस्ट्रेशन है, पोलिटिकल बैक, इसलिए इनको उठाते नहीं, क्योंकि उनको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। मेरा नाम परमा शर्मा है, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, जो कि मेरी जॉब दुकान 89 खंड में सेक्टर 17 में ढील में है, म्यूजिक कॉर्नर के नाम से काम कर रहा हूँ। तो हमारे को प्रशासन और सारी बिल्डिंग को तंग कर रहा है, और जूम बिल्डिंग को बेचकर तो हमारे को परेशान कर रहे हैं, हम लूट रहे हैं वकीलों के पास, लोगों के भी धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अब हमारे को 12 दुकानदारों को तंग कर रहे हैं कि आप उनकी बिल्डिंग में बैठे हैं, हम कोई 75 से बैठा है, कोई 54 से बैठा है, कोई कुछ से बैठा है, जब ये खाली पड़ा सकता, जब ये हमने आवाज किया, ये इसको बड़ी मेहनत से किया, लेकिन आज हमारे को प्रशासन इस चीज़ में बड़ी तंगी से तंग कर रहा है। हाउसिंग एंड कंपनी वाला वो भी बीच में है, आपने देखा कि व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा असर नगर निगम के ऊपर पड़ने वाला है, और जिन्होंने कहा कि किरण खेर की सरकार ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो ज्यादा बेटर था। तो कैमरामैन संदीप गौतम के साथ चंद्र प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।